नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24। नीतीश सरकार में जहरीली शराब से मौतें नहीं, हत्याएं हो रही हैं। उक्त बातें चिराग पासवान ने कही, वह आज पटना से हमनौर पहुंचे, जहां उन्होंने जहरीली शराब पीड़ितों के परिवार वालों को सांत्वना दिया। इससे पूर्व वह स्वर्गीय दरोगा प्रसाद की अंगद प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। उन्होंने नीतीश सरकार को आगे होते हुए कहा कि बिहार में शराब माफियाओं को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, जिस कारण बिहार में शराब का गोरखधंधा पुलिस के नाक के नीचे चल रहा है। इसे जहरीली शराब से मौत नहीं, नीतीश सरकार द्वारा की गई हत्या कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसकी गंभीरता को समझें और इसमें जो उचित और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, एक के बाद एक इस तरीके से अगर मृत्यु होती रही, और ये तो मृत्यु नहीं अब हत्याएं हैं। आप जान रहे हैं कि भैया जहरीली शराब का धंधा बिहार में चल रहा है और उसके बाद पीने से लोगों की मौतें हो रही है। मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिले में ये घटना अभी घट चुकी है नालंदा में, उससे पहले चंपारण हम लोग गए थे, गोपालगंज हम लोग गए थे, मुजफ्फरपुर हम लोग गए थे। एक के बाद एक हो रही ये हत्याएं, ये दर्शाता है कि जहरीली शराब बनाने वाले गिरोह ने अपनी जड़ों को कितना मजबूत बिहार में कर लिया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एकदम खामोशी से इन तमाम चीजों को, इंजीनियर को पकड़ते हैं, डॉक्टर को पकड़ते हैं, दुल्हन के कमरे में जाते हैं, पर आज तक किसी एक बड़े तस्कर या किसी एक बड़े गिरोह को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नहीं पकड़ा, जो ऐसे अवैध धंधे में या ऐसी जहरीली शराब के निर्माण के कार्यों में जो व्यक्ति या जो गिरोह इसमें लगा हो, तो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनकी सरकार या उनके शासन प्रशासन तंत्र का संरक्षण प्राप्त है। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति, मैंने आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बहुत दूर की बात है, मैंने किसी जनप्रतिनिधि या किसी व्यक्ति को उनके पास, जो मृतक परिवार है उनके पास जाकर संवेदना देना तक भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। सर, मुख्यमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के शराबबंदी से क्या फायदा है लोगों को? भाई वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए वो ये कानून लेकर आए, महिलाएं खुश हैं, पर आप जाकर देखिए जिनके पति मरे या भाई मरा या बेटा मरा, वो तमाम महिलाएं किस तरीके से बिलक बिलक कर रो रही हैं। एक के बाद एक इस तरीके के दृश्य सामने आ रहे हैं जहाँ पे महिलाएं सबसे ज्यादा इस कानून की वजह से प्रताड़ित हो रही हैं, इस कानून की विफलता की वजह से उनको दुख झेलना पड़ रहा है। जरूरी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पे कार्रवाई करें, और इसीलिए महामहिम राज्यपाल जी से लिखित रूप में हम लोगों ने मांग की है, लोक जनशक्ति पार्टी रामलास ने मांग की है कि अब ये उचित समय है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए।